हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मॉल टाउन गार्डनिंग। और आज हम एक स्पेशल चीज़ पे बात करेंगे और स्पेशल काम करना है। ये देखिए, जैस्मिन फैमिली को बिलोंग करता है, जैस्मिन फैमिली को बिलोंग करता है जैस्मिन के, और इसे पिंक जैस्मिन और वाइट जैस्मिन भी कहते हैं। तो ये सर्दियों में फूल देता है और ये एक वाइन की तरह होता है। तो आज हम इसकी प्रूनिंग करेंगे। इसके सीज़न जा चुका है, विंटर से लेके अर्ली स्प्रिंग तक फ्लावरिंग करता है। काफ़ी खूबसूरत वाइट कलर का, थोड़ा रेडिश पिंक टाइप आता है इसमें फ्लावर वाइट के ऊपर। तो आज हम इसकी प्रूनिंग करेंगे, तो देखिए, ताकि इसमें अगले सीज़न में ज़्यादा फ्लावर्स है और ये बुश बन के आए। ऐसे मेरे काफ़ी छोटा है अभी, ये एक वाइन की तरह मैंने इसको रखा। अब इसे बुश बनाऊँगा मैं अगले सीज़न के लिए। ये देखिए, यहाँ पर ये सब इसके पुराने फ्लावर के वो सब रह गए हैं बचे हुए रिमेनिंग से। ये देखिए, यहाँ पे ये सब इसके पुराने फ्लावर्स के रिमेनिंग्स हैं ये, और इसमें पूरे पूरा फ्लावर से ही भरा रहता है इसका पूरा ब्रांचेस। पत्ते कम, फ्लावर्स ज़्यादा दिखते हैं। ये सब देखिए, सारे रिमेनिंग्स हैं इसमें फ्लावर्स के। तो अब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सीज़र को लेंगे, सीज़र को, और यहाँ से मैं इसे काट रहा हूँ। यहाँ से एक स्टेम को इसके, अभी सीज़र मुझे मिल नहीं रहा है तो मैं इसे नॉर्मल सीज़र से ही काट ले रहा हूँ। एक यहाँ से भी इसके ब्रांच को काटेंगे हम। ये देखिए, यहाँ से काटा मैंने, और नीचे से भी हम इसे कट करेंगे क्योंकि हमें बुश चाहिए, ना कि एक वाइन की तरह वाइन फैलता है। इसे कट ही नहीं रहा ठीक ढंग से। तो यहाँ से हमने काट लिया इतना, तीन पोर्शंस, और कहाँ से काट सकते हैं, इसे भी काटते हैं, और टॉप में से भी। यहाँ से भी हम इसे काटेंगे। ये और इसे भी, इसे चाहे तो हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं। और अभी जैसे कि विंटर्स ख़त्म हो चुके, तब हमें जो जो ऐसे ही प्रूनिंग करना होगा जो विंटर्स में फ्लावरिंग करते हैं, इसे भी काट देते हैं। ये देखिए, काफ़ी हार्डी प्लांट होता है ये, और अभी लॉकडाउन चल रहा था, अब हमें गार्डनर्स के लिए यही सारे काम बचे हुए करने के लिए। तो अभी यही सारे काम हमें करने के लिए बाकी, गार्डनर्स के लिए अच्छा है, ऐसे तो समय नहीं मिलता अब इसके ज़रिए हमें समय। तो ये देखिए, मैंने इसे काट के छोटा कर दिया, और अब अगले सीज़न में इसमें काफ़ी ज़्यादा बुश आए और ब्रांचेस आएंगे और फ्लावर्स आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अभी सीज़न ऐसे प्रून करने का। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को बताने के लिए, और नए कुछ सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले एक और चीज़ फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें से जो अच्छी खासी स्टेम्स है जो काटा हमने, उसे इसे लगा भी सकते हैं। इस कटिंग्स के थ्रू काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा ये। तो यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया है, अब देखते हैं ये इसे अगले सीज़न में, इसे हम काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं अगर हम इसे लगा देंगे सारे स्टेम्स को। तो ये प्रॉपगेट हो सकता है स्टेम कटिंग के थ्रू, कटिंग्स के थ्रू ये प्रॉपगेट अच्छे तरीके से होते हैं। आप सबसे एक और चीज़ कहूँगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस, तो हमें अपने घर पे जो आदेश दिए गए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमें अपने घर पे रहना चाहिए। और प्लीज़ आप बाहर ना जाएं, और आप घर में ही अपने जो जो काम है, अपने हॉबीज़ को पूरा करें। अभी समय है, अपने करियर पे फोकस करें, सोचें। तो स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। ओके, बाय फ्रेंड्स। पहले जाने से पहले मेरे गार्डन में कुछ ब्लूम्स जो है वो मैं आपको दिखाते हुए जाना चाहता हूँ। ये देखिए, रोज़ है, क्लाइंबर रोज़, मिनीचर रोज़ जिसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए टिकोमास हैं, यहाँ देखिए ये भी रोज़ेस हैं,
पिंक और वाइट का मिक्सचर। यहाँ पे है मेरा हिबिस्किस का, ये देखिए। यहाँ पे जर्बेरस भी मेरे ब्रूम्स में आ चुके हैं, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत कलर। और यहाँ पे मेरे पूरे देसी पेटूनियास लगे हुए, ये देखिए कितने खूबसूरत। तो कि बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।